दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हर कोई चाहता है, और जो नहीं आया है अभी तक वो आना चाहता है। इस स्टॉक मार्केट में होता क्या है, कोई भी स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज रखता है तो वो ज्ञान देने लगता है, और स्टॉक मार्केट में एक माहौल क्रिएट किया जाता है जिसकी वजह से जो ज्ञान दे रहा है उसका फायदा हो जाता है, बाकी 80-90% तक लोग लॉस उठाते हैं उसका। होता क्या है, कोई भी स्टॉक मेरे पास 10 रुपए में है तो मैं उसके लिए बोलूंगा कि आप इस स्टॉक को खरीदिए, बहुत ज्यादा खरीदिए और ऊपर जाने वाला है ये स्टॉक। तो क्या होगा, जो मेरे फॉलोअर है, मान लीजिए 4 मिलियन मेरे फॉलोअर हैं, उनमें से अगर 2 मिलियन लोगों ने भी माना उस स्टॉक को खरीदा, या 1 मिलियन लोगों ने भी स्टॉक को खरीद लिया, 10 लाख लोगों ने खरीद लिया, और वो स्टॉक में डिमांड बढ़ गई, डिमांड जैसे ही बढ़ेगी तो स्टॉक ऊपर भागेगा ही। अब मैंने कोई भी स्टॉक 10 रुपए पे जो खरीद रखा है वो ऊपर को भाग के 12 रुपए या 13-14 रुपए पे आ जाएगा, मैं क्या करूंगा, जो मैंने बड़ी होल्डिंग ले रखी है मैं उसको सेल करके बाहर आ जाऊंगा, और जो लोग मेरे 1 मिलियन लोग हैं, जो मेरे फॉलोअर हैं, वो उसमें फंसे रह जाएंगे, और मैं बोलूंगा देखो मैंने बोला था 10 रुपए से ये ऊपर जाएगा, और ऊपर गया भी वो, लेकिन लॉस किसका हुआ, नीचे को गिरना स्टार्ट हो गया, बड़ी होल्डिंग मेरे पास थी, मैंने जैसे ही वो होल्डिंग को बेचा वो स्टॉक फिर से नीचे आने लगा। तो मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे ही इन्फ्लुएंसर, जिन्हें बोलते हैं, उनके यूट्यूब और इंस्टाग्राम फेसबुक पे बहुत सारे फॉलोअर थे, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद नासिर की, जिन्हें नसरुद्दीन भी बोलते थे। तो बाप ऑफ चार्ट के नाम से इनका यूट्यूब चैनल था, जो कि अभी अरेस्ट किए जा चुके हैं, सेबी के द्वारा सर्कुलर जारी किया गया, जिस बंदे का पिछले 3 महीने में 80 लाख रुपए का लॉस है और अभी तक का अप्रोक्सीमेट 3 करोड़ का लॉस है, वो दूसरों को ज्ञान दे रहा है। तो स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर जो भी एंट्री करना चाहते हैं, तो वो ऐसे लोगों से बच के रहें, किसी का फ्री का ज्ञान ना लें। सेवी और एनएससी, बीएससी, बहुत सारी वेबसाइट हैं गवर्नमेंट की, उन पे जाके पढ़ें, और मैं आपको सजेशन दूंगा कि सेबी की वेबसाइट पे जाएं और उस पे बहुत सारी वीडियो गैलरी में वीडियो पड़ी हुई हैं, उन वीडियो को देखें, उसके बाद ही आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करें। और जो भी न्यूज़ आती हैं, चाहे वो आपके जो चैनल हैं सीएनबीसी या कोई भी चैनल है, उस पे भी विश्वास ना करें, क्योंकि जो भी आपको कोई भी स्टॉक खरीदने के लिए बोल रहा है, समझ लीजिए उसमें उसका तो जरूर कोई ना कोई फायदा है। अब कोई आप किसी के कहने से शेयर खरीदते हैं, किस पॉइंट पे आप एंट्री कर रहे हैं, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि अब मैं कोई भी शेयर आपको बता रहा हूँ तो मैंने वो 10 रुपए पे खरीदा हुआ है, अब वो पहुंच गया 15 पे, आपने उस पर 15 पे एंट्री मार दी है, तो वो आपकी गलती है, क्योंकि वो 15 पे आने के बाद फिर से वो 10 पे आएगा और वहां पे आप 15 पे फंसे रह जाएंगे। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में आने से पहले बहुत अच्छे से उसके बारे में स्टडी कर लें, और ऐसे लोगों पर बिल्कुल विश्वास ना करें जो यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, तो इन पे बिल्कुल ही विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, सबसे फ्री में सीखें और खुद इन्वेस्ट करना सीखें। जब तक आपका खुद का लॉस धीरे नहीं होगा तब तक आप सीख नहीं पाएंगे कोई भी चीज़। तो लॉस करना भी ज़रूरी है, लेकिन अपने से करो, किसी के कहने से मत करो लॉस। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेबी की वेबसाइट पे जाइए और जो वीडियो पड़ी हुई है उन वीडियो को अच्छे से देखिए, सारी वीडियो को देखिए, वीडियो गैलरी में पड़ी हुई है सेबी की वेबसाइट पे, और जो भी सर्कुलर आता है सेबी की वेबसाइट पे या एनएससी की या बीएससी की पे, तो आप उनको जरूर पढ़िए अगर आप बिगिनर हैं तो। थैंक यू, मेरा इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना बताना था कि किसी भी फ्री का ज्ञान देने वाले से बचिए। थैंक यू।